हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सबके कई फीडबैक, कई क्वेश्चन, बार बार क्वेरीज आ रही है कि सीयू सेट के रिजल्ट के बाद क्या करना है, कैसे करनी है काउंसलिंग, कैसे देखें मेरिट लिस्ट, कैसे देखें कट ऑफ लिस्ट, क्या क्या होगा एडमिशन के लिए। ये जानकारी आप कई लोग बार बार पूछ रहे हैं, मेरे लिए सारे सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं ये खास वीडियो लेकर आया हूँ। आप सारी बातों को ध्यान से सुने। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया, एक या दो वीडियो पहले बनाया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने उन वीडियोस को ध्यान से नहीं देखा है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप सीयू सेट की वेबसाइट www.cusetexam.in पर अपना स्कोर कार्ड चेक कर लें। इसके लिए आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। एंटर करते ही आपके सामने आपका स्कोर कार्ड और चॉइस की यूनिवर्सिटी, जो आपने चॉइस दिया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त, वो यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस आपके सामने आ जाएगी। याद रखिए कि स्कोर कार्ड सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही होगी, हाँ यूनिवर्सिटीज़ के चॉइस अलग हो सकते हैं। इसके बाद जिन यूनिवर्सिटीज़ का आपने ऑप्शन दिया है उनकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ कुछ समय बिताएं, आप ध्यान से सारी जानकारी को पढ़ें, खास करके जो जानकारी हाईलाइटेड हो, जो ब्लिंक कर रही हो, उस लिंक को ज़रूर क्लिक करें। उन लिंक्स में एडमिशन संबंधित, आगे के प्रोसेस के संबंधित जानकारी ज़रूर होगी। आपको बताया जाएगा कि आगे क्या करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है काउंसलिंग के लिए, या आपको पर्सनली वहाँ पहुँचना है। आप नोटिस को भी पढ़ें, आप एक एक बात को ध्यान से पढ़ लें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप ध्यान से सारी जानकारी को पढ़ें, कहीं आपकी नज़रअंदाजी से आपके एडमिशन के चांस मिस ना हो जाए। आप जानकारी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको नोटिस दिखेगी, साथ ही साथ मेरिट लिस्ट भी देख सकती है, कट ऑफ लिस्ट भी देख सकती है, जैसा आपको बताया जाता है, जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको पर्सनली यूनिवर्सिटी के कैंपस विजिट करना है या ऑनलाइन ही आपको रजिस्टर करना है। सारी चीज़ों को पढ़कर आप आगे के प्रोसेस को कीजिए। प्रोसेस करने के बाद आपको अगर जाने को कहा जाता है फाइनली एडमिशन के लिए, तो आप जाएं। सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी वेबसाइट पर एडमिशन फ़ी, जो ट्यूशन फ़ी लगेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो डिस्प्ले कर रही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने पहले ही कर दिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने भी किया है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही हैं। तो आप सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें और उसके बाद आगे के स्टेप्स को लें। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे फर्दर क्या प्रोसेस करना है। आप ध्यान से इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देख लें, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का जवाब देने की, या फिर कोई नया वीडियो बनाऊँगा। मैं आपको अब एडमिशन के लिए ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ, शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जो पसंद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पसंद के सब्जेक्ट में हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।